प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये चैनल आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस देने के साथ साथ रियल स्टेट में बेस्ट एक्सपर्ट एडवाइस देने का भी काम करता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये भी फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमें किस तरीके से सोचना है, मतलब फाइनेंस के बारे में किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से काम करना है, उसके बारे में मैं आपके साथ शॉर्ट में बात करूंगा। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जो शायद आपके लिए पहली बार होंगी। सबसे पहले मैंने लिखा है मैरी योर मनी, आपके पैसे की शादी कर दो। कितना अजीब टर्म है, आपके पैसे की शादी कर दो। ओ भाई, शादी इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से माँ अपने बेटे की शादी के बाद तुरंत बाद अपने बेटे की पत्नी से ये सवाल करती है कि मेरे को पोते का मुंह कब दिखाओगी, मतलब वहाँ पर इमोशनल जुड़ाव होता है अपनी फैमिली, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके से आप में भी ये क्रेज़ होना चाहिए कि आपने अपने पैसे को आगे बढ़ाना है, पैसे के वंशज को आगे चलाना है, पैसे की जो विरासत है उसको आगे लेके जाना है। हमारे समाज में विवाह शादी की परंपरा इसीलिए बनाई गई थी कि हम अपना परिवार आगे से आगे चला सकें। इसी तरीके से ये पैसे की परंपरा भी आपको चलानी पड़ेगी कि आपकी पैसे की शादी हो और पैसे से पैसा जनरेट हो। तो ये बात आपको शायद पहली बार सुन रहे होंगे या पहले भी सुनी हो तो पता नहीं, लेकिन ये मैंने अपनी किताब, जो नई किताब है रियल स्टेट का डीएनए, उसमें एक चैप्टर दिया है इसका। सो हमने सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूँ, यदि आपके पास अपना खुद का पैसा है तो आप खर्च सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास खुद का पैसा नहीं है तो आप खर्चना का कोई हक नहीं रखते। यदि आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपया पड़ा है और आपके पिताजी का है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप उस पैसे के कुछ नहीं लगते। जो नई जनरेशन है उसके लिए ये सवाल है, उसके लिए एडवाइस है। हाँ, जब तक आप खुद पैसा कमाना शुरू नहीं कर देते तब तक आप उस पैसे को नहीं खर्च सकते। आज ही मैंने कोई एक स्टोरी सुनी थी राजा कृष्ण देव की। उसके पास एक ब्राह्मण आता है सदानंद, और ब्राह्मण से वो पूछता है कि दक्षा मांगता है कि मेरे को दो। वो कहता है जी मेरे खजाने में से जितने मर्जी ले जाओ। ब्राह्मण को खुश करने के लिए बोलता है कि मेरा खजाना भरा पड़ा है तो आप जितना चाहो पैसा ले जा सकते हो। और ब्राह्मण उसको कहता है ये खजाने का पैसा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी जनता का पैसा है, तुम अपने पास से क्या दे सकते हो इसकी बात करो। तो राजा महसूस करता है कि मेरे पास तो पैसे कोई नहीं है। तो वो रात को घर से निकलता है, महलों से निकलता है, कहीं पर दिहाड़ियाँ करता है, दिहाड़ियाँ करके जितना पैसा इकट्ठा होता है तो उस ब्राह्मण को देता है। और उस पैसे की जो करामात उस ब्राह्मण ने बताई है, उस राजे ने बताई है, उस स्टोरी में बताई गई है कि वो 5 रुपये, सिर्फ 5 रुपये जो उसके कमाए हुए पैसे थे, उसको देख के ब्राह्मण के बेटों ने महल खड़े कर दिए। सो ये जो अपनी मेहनत की कमाई है इसका मजा ही अलग होता है। सो आपने ऑनेस्ट किंग जो बनना है, मैंने बहुत बार पहले भी सुना है, औरंगजेब के बारे में सुना है। जब मैं 1989 में चंडीगढ़ में IAS की ट्रेनिंग के लिए जाता था तो वहाँ प्रिंसिपल सवर्ण सिंह जी होते थे, बहुत सुपर इंटेलिजेंट आदमी। तो उन्होंने औरंगजेब के बारे में बताया था कि औरंगजेब चाहे जितना मर्जी क्रियूल था, लेकिन वो जो मंजे हैं, मंजे बुन के उनसे जो पैसा आता था उसके पैसे से वो रोटी खाता था। इस तरीके के और भी आपको कितनी स्टोरीज आपको मिल सकती हैं, मतलब जो मेहनत के ऊपर हमने ध्यान देना है। माँ बाप के पैसे को हमने पैसा नहीं समझना। यदि माँ बाप के पैसे को हम पैसा समझेंगे तो हम उड़ा सकते हैं उसको। यदि आप खुद कमाई करी होगी तो आपको पैसे के लिए दर्द होगा। मेरे पास ऐसे लड़के भी आते हैं, अभी भी आता है, जिसके पास 300-400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, सारी दादे की है, बाप की है, तो वो पैसे दोनों हाथों से उड़ा रही हैं। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। जब एक हिंदी में कहावत है माले मुफ्त दिले बेरहम, जब आपका पैसा कमाए नहीं होता तो आपका दिल बेरहम हो जाता है उसको खर्चने के लिए, उड़ा देते हो आप। सो हमने ये इस तरीके का पैसा उड़ाना नहीं है। मैं तो बल्कि आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके फादर का पैसा बैंक में पड़ा है,
आपके फादर का पैसा कहीं एफडी में पड़ा है, कहीं और कहीं पर पड़ा है, आपने उसकी तरफ देखना भी नहीं। जो आदमी बैंक से निकाल के अपने खर्चे चलाते हैं तो वो एक ना एक दिन वो पैसे को जीरो कर लेते हैं। अकलां बाजों खूह खाली, ये पंजाबी की कहावत है भी, अकल के बिना यदि नोटों के कुएं भी भरे हों वो भी खाली हो जाते हैं। सो आपने बहुत ध्यान रखना है। और ये मैंने आगे एक मनी थ्री का फार्मूला दिया, क्यूब, मतलब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 81, 25 का क्यूब उससे ऊपर 625, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। मनी मैनेजमेंट के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है। इसमें क्या है, मनी थ्री मैंने लिखा है, M3 भी मैं बोलता हूँ इसको बार बार। पहले मनी मेकिंग, भी हमने पैसा बनाना कैसे है, ये स्कूलों में कोई नहीं सिखाएगा आपको, कोई कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा कि पैसा बनाना कैसे है। उसके बाद पैसे को मैनेज कैसे करना है। लोगों के पास करोड़ों रुपए आए और 5 साल के बाद वो फ्री हो गए, बिल्कुल पहले से भी बुरी स्थिति उनकी हो गई। तो इस बात से भी हमने बचना है कि जो हमारे पास जब पैसा आता है तो हमने संभल के चलना है। पैसे को नौकर कैसे बनाना है, मनी इज़ एक्सीलेंट सर्वेंट बट बैड मास्टर। एक्सीलेंट सर्वेंट कब होगा, जब उसको मैनेज कर पाओगे। आपके घर में 6 नौकर हैं, यदि आप उनसे काम ही नहीं ले पाओगे, उनको मैनेज ही नहीं कर पाओगे, एक दिन आपके खिलाफ वो यूनिट बना के खड़े हो जाएंगे। आगे फिर मनी मल्टीप्लाइंग, के पैसे को बढ़ाना कैसे है। जैसे मैंने लिखा है पैसे की शादी करूँ, आप अपने पैसे को अच्छे काम पे कहीं लगा दोगे तो आप डेफिनेटली आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि आपने इमोशनल डिसीजन ले लिया कि मेरे को कार चाहिए, मेरे को लोगों को मैं अमीर दिखना है, कुछ और दिखना है, तो पैसा ख़राब हो जाएगा। इमोशनल डिसीजन यहाँ लेना है, जैसे आपकी माता की इच्छा है कि मैं पोते का मुंह देखना है, जल्दी से जल्दी मुंह देखना है, वो इमोशनल डिसीजन है। ये आपका भी इमोशनल डिसीजन होना चाहिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा है और इसको मैंने 10 का 40 लाख रुपए देखना है, कब देख सकता हूँ, कितनी जल्दी देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। यदि आप बीइंग लेडी भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसको इसके बारे में जरूर इसके मंथन करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। भाई मत्था टेको या ना टेको, मत्था मारना सीख लो, मत्था मारना सीखोगे तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। सो दोस्तों आज के लिए इतनी छोटी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो अच्छी लगेगी तो ये शेयर अपने आप ही होनी है, ये मेरे को पता है आप शेयर करोगे करोगे, और इसके ऊपर चर्चा भी करना। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, यदि चैनल पर पुराने हो और सोच रहे हो कि चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें वो भी कर ही लो यार, क्या सोचना है, क्या जा रहा है, मैं कौन सा चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे मांग रहा हूँ। सो दोस्तों आज के लिए इतने, बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हूँगा। सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच, आपका होस्ट आपका दोस्त राजवंत सिंह वाली।